सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं हमारे कम्युनिटी फिश टैंक को क्लीन एंड साथ में आपको देने वाले हैं हमारे सभी फिशेस का अपडेट। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा एंड अगर आप मेरे वीडियो पे नहीं हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक्स पे वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए जल्दी से आज का करते हैं वीडियो शुरू। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको दे दें हम अपने सिकलेट्स का अपडेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे जो पेयर है उसके फिशेस का, इन्होंने दोबारा से सैंड को यहाँ से हटा दिया है। ये हर बार ऐसा करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, शायद से ये यहाँ पे ब्रीड करना चाहते हों यहाँ पे दूसरे फिश हों, तो इसी वजह से भी हो सकता है एंड कोई और भी रीज़न हो सकता है। तो मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसा ये करते हैं। ये सिर्फ सैंड ही नहीं हटाते हैं, आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे उसके पास बैठते भी हैं कुछ दिनों तक, ये ऐसे ही करते हैं। देख सकते हो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं इस टाइम भी, अभी भी तो एक पेयर की तरह चलते हैं कुछ दिनों तक। तो पता नहीं ये क्यों करते हैं, शायद हो सकता है मेरी समझ के अनुसार कि शायद से इन्होंने यहाँ पे एग ले करने हो, बट ऐसा भी नहीं करते हैं। अगर ये करें तो हम दूसरे फिशेस को अलग कर दें। तो चलिए देखते हैं अभी क्या करते हैं। हर बार की तरह मुझे लगता है इस बार भी कोई रिजल्ट नहीं आने वाला यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं हमारे कम्युनिटी फिश टैंक की तरफ, उसको करते हैं जल्दी से क्लीन एंड वहाँ का भी आपको अपडेट देते हैं क्योंकि वहाँ का भी अपडेट दे हुए आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो चलते हैं हमारे कम्युनिटी फिश टैंक की तरफ। तो ये रहा भाई हमारा कम्युनिटी फिश टैंक और इसकी हालत आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वैसे मैंने इसके ग्लास को क्लीन किया है जिसके बाद इसका वाटर इतना ज़्यादा गंदा दिख रहा है, बट वैसे भी हमारे यहाँ पे रहते हैं टर्टल्स तो उनकी काफ़ी ज़्यादा गंदगी होती है, तो ये काफ़ी जल्दी है इस टैंक को गंदा कर देते हैं। तो अभी छोटे हैं, जैसे ही हमारे टर्टल्स बड़े हो जाएंगे तो हम इनका कुछ अलग सा जुगाड़ कर देंगे ताकि ये फिशेस से अलग हों। तो चलिए जल्दी से पहले यहाँ से निकालते हैं वाटर। और ये आ चुकी है हमारी साइफन पाइप और ये हर किसी ने रखी होगी, जो भी एक्वेरियम रखता है अपने घर में तो उसने हर किसी बंदे ने ये रखी होगी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से टैंक को करती है क्लीन। तो यहाँ पे आ चुका है वाटर, तो अब यहाँ पे निकालते हैं इनकी गंदगी क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो सबसे ज़्यादा होता है टर्टल्स का वेस्ट, आप देख पा रहे होंगे। तो ये सब ग्रीन वाटर जो है वो हमारे टर्टल्स की वजह से होता है। तो चलिए जल्दी से मैं अपने टैंक को कर लेता हूँ क्लीन एंड देन फिर आपको दिखाता हूँ एक साफ सुथरा सा टैंक, क्योंकि ऐसे देखने में आपको कोई भी ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा होगा। तो चलिए जल्दी से मैं इसको करता हूँ क्लीन एंड देन फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो मैं सोचा आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा व्यू दिखा दूँ हमारे RTC का ऊपर से, क्योंकि आपने साइड से देखा होगा हमेशा इसको, और ऊपर से आपको दिखा दें तो हमारे दिख सकते हो सभी फिश यहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं और हमारा प्लेको फिश भी हमारे लगभग RTC जितना होता है, तो इसकी तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, बट हमारा RTC थोड़ा स्लो ग्रोथ कर रहा है। और ये फाइनली हमारा टैंक हो चुका है क्लीन और कितना ज़्यादा ये सुंदर दिख रहा है। और मैंने इसमें 3 या 4 ड्रॉप्स मैथिलीन ब्लू की भी ऐड की है क्योंकि इतने दिनों बाद वाटर चेंज करूँगा तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है फिश को, तो मैथिलीन ब्लू ऐड करना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। और बाकी हमारे सभी फिश बिल्कुल ठीक हैं, साथ में हमारा जाइंट गोरामी भी यहाँ पे है एंड हमारे टर्टल्स दोबारा से इसको काफ़ी जल्दी गंदा कर देंगे इस टैंक को, बट कोई बात नहीं अभी छोटे हैं तो जैसे ही बड़े होंगे तो इनके लिए काफ़ी अच्छा सा सेटअप बनाएंगे बाहर ताकि वहीं रहें और हमारे टैंक को गंदा ना कर सकें। और ये रहा भाई हमारा जाइंट गोरामी और इसकी आप फेस देख सकते हो बड़े वाले जो बिल्कुल जाइंट साइज़ का हो चुका होता है गोरामी, उसकी तरह इसका फेस होना शुरू हो चुका है जो कोई मेल की काफ़ी अच्छी निशानी है, मतलब आप इसका फेस देख के पता लगा सकते हैं कि मेल है या फीमेल। तो चलिए अब चलते हैं हमारे कोई फिश पॉन्ड की तरफ, वहाँ का भी आपको छोटा सा अपडेट दे देते हैं। तो ये रहा भाई हमारा कोई फिश पॉन्ड एंड यहाँ पे भाई ने मुझे कल कमेंट किया हुआ था कि आप कोई न्यू फिश लेकर आओ कोई फिश, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कोई फिशेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, हमारे पास सभी लगभग सभी वेराइटीज़ की हमारे पास कोईज हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं कौन सा कोई फ़िश लेकर आऊं तो वही मैं ऐड करूंगा, क्योंकि मैंने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़िश ऐड किए हैं, अब आपके कहने पे मैं यहाँ पे फ़िश ऐड करूंगा। तो वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास तो जैपनीज़ कोई भी है, कबूतर भी है, मिल्की भी है, तो मैं लेके आऊं एक जो हमारा लोकल इंडियन कोई काप होता है वो लेके आएं, क्योंकि बाकी हमारे पास सभी वेराइटीज़ के फ़िश हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि वही लेके आएं, क्योंकि मेरे पास इंडियन है कोई बट एक ही है तो वो लेके आऊं मैं, तो एक या दो पीस, 2 या 4 कम से कम मैं लेके आऊँगा। तो बाकी आपने मुझे कमेंट में रेट बताना है इनका कि इतना प्राइस कितना होता है आपके लोकल फ़िश मार्केट में, एंड सेकंड चीज़ आपने ये बतानी है कि हम यही लेके आएँ या कोई और चीज़ लेके आएँ, तो कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो फिर चलिए यहीं पे करते हैं हमारी छोटी सी वीडियो को एंड, मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।